देश की राजधानी में इको गार्डन के अंदर 102 और 108 का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। पूरे प्रकरण पर क्या बोल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, आप सुन सकते हैं। सभी को नमस्कार, मैं हनुमान पांडे सभी को, सभी जिला अध्यक्षों को सूचित करना चाहता हूं कि शांति पूरे ढंग से अपनी बात रखें और कोई भी अधिकारी से सपोर्ट लें उनका और उनकी बातों पर गौर करें। और हमारा धरना अनिश्चितकालीन है, इसलिए कोई भी तरह का उड़दन नहीं होना चाहिए। आराम से अपनी बात कहें और अगर कंपनी के आला अधिकारी प्रेशर बनाते हैं तो चाबी और स्विच उनको पकड़ा के अपने किनारे हट जाए कि भैया लो चलाओ, 8,000 में हमसे नहीं चल रही गाड़ियाँ। बस जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि लड़ाई को अंतिम चरण तक पहुंचाने में हम लोगों ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी है और आज जिसका नतीजा यह है कि उत्तर प्रदेश एक हो गया, ये बड़ी खुशी है क्योंकि आंध्र वालों के लग रहा था कि यूपी कभी इकट्ठा नहीं हो सकता। ये मात्र हमारी एक जीत थी और जब दो बार हम महाराजगंज को खड़ा करके जब हमने आशीष शर्मा जी हमें बुलाए, हम वहाँ गए, जब उन्होंने कहा हमसे कि भाई साहब नेता मत बनो, हमसे सीधा कहा गया कि नेता मत बनो, और नेता बनोगे बहुत अच्छे अच्छे आए और चले गए, ठीक कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये लेती है देती नहीं है। तब हमने उनसे कहा था साहब कि कहीं महाभारत का वो दृश्य न हो जाए कि जब 5 गांव मांगे थे पांडव तो पूरा साम्राज्य छीन जाए आपका। आप लोगों को बता दूं मैं उस मुकाम तक ले आते मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन मुझे खुशी है हनुमान पांडव, मुझे खुशी है कि आज यूपी इकट्ठा है। उसके पीछे जो भी कारण हो, क्योंकि मुझे पता है कि आज भी अगर वो पुराना सिस्टम होता तो आज ये लेवल नहीं आ सकता। इसके पीछे सबकी कमियां हैं, हम सबकी कमियां हैं इसके पीछे, क्योंकि अगर वो पुराना वाला सिस्टम होता तो हम वहाँ जगह पे नहीं होते। आज हम लोगों को एक मजबूत यूनियन की सख्त जरूरत है। सभी लोग अपने दिमाग में बात बैठा लें, बिल्कुल सभी गाड़ियां खड़ी रखते हैं। अगर हम इकट्ठा नहीं होते तो कल मिट जाते, कोई पता नहीं चलता। बस अब यहां से हम लोग वीडियो भेज रहे हैं, आप लोग देख लीजिए कि यहां भी धरना शुरू हो चुका है। तो अब समय को पहचानने की जरूरत है दोस्तों, अब समय के पहचानने के लिए ये जरूरी है कि हम इकट्ठा होकर रहें। अगर एक जिला ठीक है, एक आदमी का और भी लोकेशनों से बातचीत करते रहिए। भाई साहब इसका मेल वापस होना चाहिए, किस बात के लिए किया तो उस एमी को ऑटोमेटिक भाई साहब वापस करना पड़ेगा मेल। हनुमान पांडव।